हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 4.3। इसमें कह रहा है ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बनाओ, देखो डायरेक्शन बना लो, ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट, और ये हो गई नॉर्थ, और ये हो गई साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब ये कह रहा है ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स एट 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखी है अब इस डायरेक्शन में, ये हो गई वॉटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब यहां से 60 डिग्री हो गया, ये हो गया वॉटर करंट, वेलोसिटी ऑफ वॉटर करंट, या वीसी कर दो वॉटर करंट की, वेलोसिटी ऑफ वॉटर करंट की वीसी हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। दोस्तों इसमें देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूं, अगर मोटर बोट रेसिंग इस तरह कर रही है ना, और करंट जैसे मान लो आप करो, एक बात बताओ उस इसको छोड़ो, अगर आप एकदम मोटर, जैसे मान लो ये कोई रिवर, ऐसे कोई रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, नहीं रिवर ऐसे फ्लो नहीं हो रही, आप मोटर बोट को इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे वो करवा रहे हो, रेसिंग करवा रहे हो। ठीक है, और सपोज करो जैसे वॉटर करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लोइंग हो रहा वॉटर, रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें जो बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, यहां बोट का, अब ये बोट ऐसे नहीं जाएगी, अब ये बोट इस तरह जाएगी, समझ में आया, तो ये कहना चाह रहा है यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, और इन दो, ये अगर 60 डिग्री हुआ तो ये टोटल कितना होता है 120, तो ये कितना डिग्री होगा 120 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, लाओ पैरेललोग्राम से, मतलब ये हो गया इनका, इनकी वो आ जाएगी, ये क्या नाम है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया आर। ठीक है, अब आर कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं तो आपको पता है आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा, और थीटा इक्वल टू 120, 120 डिग्री दे रखा है, तो आर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर, ए क्या है ये कर दो, इसकी इसकी वीसी इक्वल टू कितना दे रखा आपको 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर करो, 25 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 225 10 इंटू कोस 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, आर इक्व टू 25 का 625 प्लस 10 का 100 प्लस, देखो कोस 120 की वैल्यू निकालना बताता हूं आपको, कोस 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इसके इसको ऐसे होता है, देखो ई एस टी सी, ठीक है, अगर इसमें होता ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेस पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव और कोसेस कोस और सेक पॉजिटिव, देख इसको कन्वर्ट करो, कोस 90 प्लस 30, 90 में क्या होता है ये चेंज हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है साइन और 30। ठीक है, अब देखो 90 प्लस 30 ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, और इस वाले में साइन और कोसेस ही पॉजिटिव होता है, अदर और नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो माइनस हाफ होती है, तो 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू माइनस 1 बाई 2, ये इससे कैंसर, आर इक्व टू 625 100, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये 250 माइनस 250, और इसको वो करो, देखो 625 और 100 725 और उसमें 250 माइनस निकालो 5, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये 4, आर इक्व टू आ गया 475। ठीक है, अब ये किसका है होल स्क्वायर है, आपको पता है 21 का होल स्क्वायर कितना होता है, 21 का होल स्क्वायर करो बताओ 441, अरे ऐसे निकालो, दो दो ना 401, दो और दो 404, 144, 22 का होल स्क्वायर कितना होता है
देखो दो दुना चार, दो दुना चार, दो दुना चार, चार दुना आठ, फोर एट फोर, 484। ठीक है, अब ये देखो 21 और 22 के बीच में आ रहा है, तो R इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली लिख दूं मैं 22, 21 पॉइंट आएगा कुछ, तो ये 22 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई किलोमीटर पर आवर। अरे 21 का होल स्क्वायर 441 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है। ठीक है, तो ये इसके बीच में है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर पर आवर हो गए। ठीक है, अब ये निकल गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए ना, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो इसमें से ये एंगल ले लो फाई, ये फाई ले लिया। ठीक है, तो आर ये हो गए आर, आर अपॉन साइन 30, वो साइन थीटा, और ये फाई इससे लियो तो ये वीसी, वीसी अपॉन साइन फाई। ठीक है, तो कैसे निकालोगे वीसी, ये भी पता है और ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी निकल जाएगा साइन फाई इक्वल टू वीसी अपॉन आर साइन थीटा। साइन फाई वीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, आर निकला आपके पास में 22 और साइन थीटा, थीटा साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू वैसे ही निकालो अभी जैसे निकाले थे। देखो साइन साइन 90 प्लस 30। ठीक है, तो साइन का हो जाएगा कोस और ये हो जाएगा 30 और ये पॉजिटिव आएगा, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो देखो साइन फाई इक्व टू 10 डिवाइड बाई 22 इंटू रूट 3/2। ठीक है, साइन कोस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। ठीक है, तो इसमें पुट करो, कैसे पुट करोगे, 2 से ये हो गया 5 और साइन फाई इक्व टू रूट 3, रूट 3 इंटू 5 22। ठीक है, तो इसको सोल्व करना आपके पास में अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 0.397। ठीक है, तो फाई की फाई इक्वल टू कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स 0.397। ठीक है, तो अगर इसको निकालोगे तो एग्जैक्टली 23.4 के अप्रोक्सीमेटली आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, और अगर यहाँ वैल्यू दे रखा है तो सही है, और अगर नहीं दे रखा है तो कैसे निकालोगे, साइन 0 साइन 30, साइन 0 को वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू थी 0.5। तो ये किसके बीच में आ रहा है, यहां आ रहा है अगर 0.39 0.4 मान लो। ठीक है, तो साइन 30 और 0 मतलब ये इसके बीच में आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 23-24 जितना भी आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, तो ये फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल गई और फाई ये एंगल भी निकल गया 23.4। ठीक है।